राज भाई। हाँ सैलेड हो गई। बस तो भाई बस अपना भी खाना तैयार है, हो गया ना रेडी। हाँ तो चलो भाई करते हैं खाना खाने की तैयारी। तो चलो सिटी खोलता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो ऊपर भालू है वो अटैक करते हैं क्या? अटैक तो करेंगे वो जंगलियों में। अच्छा और भी कोई जानवर इसके अलावा? सारे जानवर है। तेंदुआ भी है? शेर के अलावा। हाँ शेर के अलावा सब रहती है। मतलब तेंदुआ आप बाघ कहते ना? बाघ। हाँ बाघ भी। हाँ तेरी। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोन्स पड़ी हैं, कई जगह पे हड्डियाँ वड्डियाँ पड़ी हैं जो कि हमारे को सचेत कर रही हैं कि इस इलाके में आप कैंपिंग ना करें। ये जंगली लीची है, ये जो पेड़ है जंगली लीची का है। भमोरा। भमोरा तह दीवारी डांडा भमोरा। और दोस्तों यहाँ पर थक गए थे तो थोड़ा आराम करते हैं, सुस्ताते हैं। कोई लंबा ट्रैक है, कोई आसान बात नहीं है। पुराने टाइम पे कहते हैं कि पूरी एक बारात पैदल चलती थी। हाँ। तो बारात की बारात पूरी यहाँ समा गई। समा गई। भागो 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 आगे 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 टेंट में चल। टेंट में भागो 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 भाई। टेंट में चल। टेंट में भागो। टेंट में चल। टेंट में चल भागो भाई। बंद करो जल्दी बंद करो। लाइट उड़ गई। अरे लाइट उड़ गई। लाइट आ गई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है नई कैंपिंग वीडियो में। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये मेरी गाड़ी खड़ी है। लास्ट नाइट कार कैंपिंग हमने यहीं करी थी, जो लास्ट ब्लॉग आपने देखा वो यहीं का था। और यहां से अब हमने सारा सामान पैक कर लिया है और हम जा रहे हैं उस बेनीताल की उन पहाड़ियों पर जहाँ पर जंगल में भालू वगैरह रहते हैं। और आप ही रास्ते में दिखाएंगे, यहाँ आपको दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा। और इसी ट्रैक को करके हम करीब 4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर भाई, हाँ 5-6 किलोमीटर का जो भी है, 4-6 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा दोस्तों। और इस रास्ते से ऊपर होते हुए उस पहाड़ी पे और उस जंगल में हमने जाना है। तो दोस्तों चलते हैं, देर नहीं करते क्योंकि बहुत लंबा सफर है। थोड़ा हमने दोपहर हो रही है, अभी दोपहर से शुरू कर दिया ताकि हमें 2 घंटे जाने में लगेंगे। 2 घंटे लग जाएंगे, 2-2.5 घंटे ऑलमोस्ट लगने वाले हैं। तो ट्रैक करते हैं चालू। बहुत ही प्यारी भाई, बहुत ही प्यारी। मन करता है घर बना लो और जो समर टाइम होता ना उस टाइम यही रहे। यहाँ से हमारा ट्रैक चालू हो गया है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। गाड़ी आपको पता नहीं दिख रही, नहीं दिख रही है वो, 1/2 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी है। और दोस्तों पीछे का नज़ारा बहुत सुंदर है, आगे का उससे भी ज़्यादा सुंदर होगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं आगे। चलो दोस्तों चलते चलते एक बहुत अच्छी जगह मिली। इसी जगह के नाम पर ये नाम पड़ा हुआ है बेनीताल। और बेनीताल एक बहुत सुंदर जगह है। ये आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा पानी है और ये एक राउंड सा सर्कल बना हुआ है ऐसे करके। ये जो है ये है बेनीताल। जो बेनीताल का मेन ताल है वो ये है। इसके आगे कोई भी बस्ती नहीं है। लास्ट बस्ती जो आप देख रहे हैं ऊपर टॉप पर है ये बेनीताल बस्ती है। इसके आगे कोई भी नहीं है, वो उस पहाड़ी पे हमने जाना है। तो करीब 2 किलोमीटर हम लोग चल लिए, इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। मैं ये कह रहा हूँ जो ऊपर भालू है वो अटैक करते हैं क्या? अटैक तो करेंगे वो जंगलियों में। अच्छा और भी कोई जानवर इसके अलावा? सारे जानवर है। तेंदुआ भी है? शेर के अलावा। हाँ शेर के अलावा सब रहती है। मतलब तेंदुआ आप बाघ कहते ना? बाघ। बाघ भी। तेरी। एक तो तेंदुआ बाघ भी रहते हैं यहाँ, तेंदुआ भी रहते हैं। अच्छा चलो भाई ये तो अच्छी हो। इधर कहीं नमक डालेंगे ना कहीं, अगर ये लोग खाई रहे यहाँ पर तब आके वो इधर रात को ये नमक के चक्कर में। अच्छा जैसे वो हिमालयन थार आता चौपटा में नमक के। ओके जी मालिक, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा हुआ आपने बता दिया यहाँ जानवर है, हम तो और आगे बहुत अंदर जाने वाले थे। जानवर रहते हैं। ये बताइए क्या चीज़? ये क्या चीज है? ये भमोर। भमोर। भमोर क्या होता है? लीची टाइप का। जंगली लीची कह सकते हैं आप? अच्छा जंगली लीची है। अच्छा जो आप जंगली लीची कह सकते हैं, खा सकते हैं? खा सकते हैं। अभी तो कड़वी होगी। कड़वी लीची टाइप होने बाद में लाल। अच्छा भमोर गाना नहीं थे दीवारी डांडा भमोर। ओके मालिक, राम राम। फिर मिलते हैं। ओके जी। यहाँ पर अभी एक अंकल आए थे, अंकल का नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको। और उन्होंने वो ना हमें बोल रहे थे यहाँ कहाँ जा रहे हो तुम, ये तो पूरा जंगल है और यहाँ पे भालू बहुत सारे हैं
और भालू बिल्कुल अटैकिंग वाले हैं, अटैकिंग मूड में भालू है, टाइगर भी है भाई, टाइगर नहीं वो बाघ, हाँ मतलब टाइगर बाघ एक ही है, तेंदुआ तो है ही है, बाघ भी है। तो दोस्तों उस जो पहाड़ी पे हम जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वहाँ जाना बहुत खतरनाक है, और फिलहाल ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये पूरा जो एरिया है किसी दिल्ली के पंजाबी भाई का है, और उन भाई को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करें वो, क्योंकि मैंने सुना है कि वो यहाँ प्लॉटिंग वगैरह करने वाले हैं। तो भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अनुरोध है इस लोकेशन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और बहुत सुंदर लोकेशन है, इसको बर्बाद मत कीजिए। और दोस्तों ये जंगली लीची है, ये जो पेड़ है जंगली लीची का है, भमोरा, भमोरा तेदीवारी डांडा भमोरा, और वो जो ताल जो देख रहे हैं उसमें अंकल बता रहे थे कि इसको एक बार पुराने टाइम पे कहते हैं कि पूरी एक बारात पैदल चलती थी, तो बारात की बारात पूरी यहाँ समा गई थी। अब वो कहते हैं वो, अब वो हम उसको प्रमाणित नहीं करते, लेकिन जो अंकल ने बताया वो कह रहे हैं। और इस साइड में भालू और बाकी जंगली जानवरों का आतंक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए शाम हो गई है, सूरज भी जाने वाला है, इससे पहले कि रात हो जाए हमें अपना टेंट पिच करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोन्स पड़ी हैं, और जैसा कि आपने सुना ही होगा अभी पीछे एक अंकल ने वार्निंग दी थी, यहाँ जंगली जानवर है। देखिए बोन्स पड़ी है, और आगे भी कई सारी बोन्स है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। और ऐसे कई जगह पे हड्डियाँ वड्डियाँ पड़ी हैं, जो कि हमारे को सचेत कर रही हैं कि इस इलाके में आप कैंपिंग ना करें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए दोस्तों ये पड़ी, एक ये पड़ी, मैं आपको स्टिक से ला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये किसी बड़े जानवर की हड्डी है, यानी कि गाय वाय की है, और गाय वाय मारी हुई है उन्होंने। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपना इवनिंग होने वाली हो ही गई है, तो फटाफट से अपना लोकेशन ढूंढते हैं और उस जंगल में पहुंचते हैं और टेंट पिच करते हैं। थक गए यार मेरे भाई, कौन सा कीड़ा था। हाँ। थोड़ी देर बैठ जाओ, सुस्ता लेते हैं। ओए, ओए। पानी वानी पड़ा है क्या? सब पड़ा है भाई, ये है पानी। ला यार पानी पिए पहले यार, अरे मेरी बहन प्यास लगी है यार, बहुत हाइट पे यार। साउंड है ना कुछ, जंगल का साउंड आएगा आएगा। पानी बिस्किट दो यार, एनर्जी आया ना शरीर में, ग्लूकोज चूस लिया पूरा, लो भाई खाओ। दोस्तों यहाँ पर थक गए थे तो थोड़ा आराम करते हैं, सुस्त आते हैं, कोई लंबा ट्रैक है, कोई आसान बात नहीं है, तो बिस्किट है चॉकलेट वाले, थोड़े सा एनर्जी मिलेगी, पानी पीते हैं और आगे फिर निकलते हैं। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वहाँ पे पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है, पूरी हिमालयन रेंज अभी दिखाऊंगा, पहले मैं जरा पानी पी लूँ और बिस्किट खा के थोड़ा सुस्ता लूँ। दोस्तों आराम कर लिया, पानी पी लिया, बिस्किट खा लिए, और फिर से चलने की तैयारी है। तो चलने से पहले फिर से मैं एक बार आपको दिखा दूँ, ये देखिए दोस्तों ये है हिमालयन रेंज, दिख रही है पूरी बर्फ़ पड़ी है, थोड़ा सा बादलों में है, और ये भी सारी पूरी हिमालयन रेंज है। मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये पूरी बर्फ़ से लदी हुई चोटी है, ये चोटी बर्फ़ से लदी हुई है, पूरी बर्फ़ है, ये सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन अभी आपको कैमरे में शायद ना दिख रही हो, ये देखिए ये दिख रही होगी, ये बर्फ़ वाली चोटी है, ये पूरी बर्फ़ दिख रही है सामने। और दोस्तों जंगल देखिए कितना पास आ गया हम लोगों के, 3-1 किलोमीटर हम चल चुके हैं, बाकी थोड़ा सा जंगल में 2-3 किलोमीटर और अंदर जाएंगे और कहीं पे कैंप पिच करने की तैयारी करते हैं। दोस्तों चलते चलते जंगल की एंट्री पे पहुंच गए, यहाँ से ये पहला पेड़ है और जो हमें मिला है, और ये पहला पेड़ ही हमारे लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि इस पे है भमोरा पहाड़ी लीची जंगली, आप इसे जंगली लीची भी कह सकते हो। और ये जो लीची है ना दोस्तों, ये जो है ये फेवरेट है भालू की, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरी हाइट ना उतनी, लाल लाल पकड़ो, मैं तोड़ता हूँ, निकालना तो तोड़ो, मैं पकड़ता हूँ, बड़े बड़े लगे हैं, बड़े प्यारे।
ये है, करो एक मिनट, करो 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 करो। हाँ ये वाला, ये दोस्तों ये वाली, ये है जंगली लीची। ये देखिए ये जंगली लीची है, भालू को बहुत पसंद है, भालू इसे ही खाने इन पेड़ों पे आता है और चढ़ता है और खाता है और बहुत इंजॉय करता है वो उसको। अगर भालू को पसंद है तो हम भी खा के देखते हैं कैसी है ये लीची, हम भी खाते हैं। भमोरा 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 कहते हैं इसे, खा के देखते हैं। आप भी खाओ। बिल्कुल। भाई फुल जूसी है दोस्तों, बहुत बढ़िया टेस्ट है। दो चार तोड़ देते हैं आगे के लिए, काम आएगा, और काम आएगा रात को खाने के लिए। बाई चांस खाना वरना किसी वजह से ना बने तो ये खा के सो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये तो खा लिया, आगे देखते हैं और क्या है। भाई हाँ आगे तो पूरा ही घने जंगल, आगे तो जा नहीं सकते। बिल्कुल भाई है? लेकिन ये जो पेड़ है ना, हाँ ये काफल वाले पे जो लीची वाले पेड़ है बमोरा, भाई अगर हम यहाँ टेंट पिच करते हैं तो 101% यहाँ भालू पता एक नहीं आएगा, यहाँ पूरे दर्जनों में आएंगे। हाँ यहाँ पूरे झुंड आएगा। और अभी भी ध्यान रखना मॉर्निंग में कोई ऐसा नहीं कि भालू कहीं पेड़ पे बैठा रहे। एक काम करते हैं, कोई प्लेन जगह ढूंढते हैं, और यहाँ पे कांटे भी बहुत हैं, ये देखो ना। कांटे हैं कुछ अच्छा सा, मतलब बढ़िया सा थोड़ा खुली एरिया ढूंढते हैं, वहाँ पे अपना टेंट पिच करते हैं। चलो फिर देखिए भाई अंधेरा भी होने वाला है बहुत जल्दी, सूरज जाने वाला है, सर पे आ गया बिल्कुल। चलो खरे तैयारी फिर, चलो आओ चलो। यहाँ पर हमें एक छोटी सी गुफा टाइप की मिली है, मुझे ये नहीं पता किस चीज़ की है, लेकिन किसी राजभाई बता रहे हैं ये सोलू करके कोई पहाड़ी जंगली जानवर है उसकी है, और अंदर ये जो जंगली लीची वगैरह वो भी पड़ी है करीब करीब। आप देखोगे तो साइज वाइज थोड़ा घास से लग रहा है कि छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा है ये, 2 फीट बाई 2 फीट का गहरी गुफा है। और अंदर ये वहाँ पर निकल रही है गुफा, उस साइड में निकल रही, इधर से जाके ऐसे घूमती हुई उस साइड में निकल रही है। अब ये नहीं पता हमें किस चीज़ का, किस जानवर की गुफा है। ज़्यादा हम इस पर R&D भी नहीं करेंगे, चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। यहाँ पर बहुत घना जंगल है, इस जंगल में जाने का केवल एक ही रास्ता है, इस रास्ते से हम आगे जा रहे हैं। और थोड़ी सी खुली जगह पे कहीं पे जगह दिखेगी खुली तो वहाँ पे हम अपनी कैंपिंग वगैरह करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये देखिए इस गुफा नुमा रास्ते से हम लोग अंदर जाएंगे। और चलिए चलते हैं अंदर। भाई हाँ भाई, अरे 6 की जगह 8 चल लिए, थक गया भाई 8 किलोमीटर ऐसे ही लगता है यार भाई, चढ़ाई तो ऐसे ही लगता है भाई। देखो ये थोड़ा प्लेन सरफेस लग रहा है भाई, बाकी तो पूरा अंदर बुग्याल और वो जंगल है, जंगल ही जंगल है, वहाँ तो टेंट मुश्किल है। मेरे को यही पिच करो, रात भी होने वाली है यार, फटाफट से, क्योंकि दिन निकलते ही हमें खाना बनाना है यहाँ पे, क्योंकि जानवर बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो चलो यही टेंट पिच करते हैं, उतारो सामान उतारो। तो फाइनली दोस्तों लोकेशन पे आ गए हैं, करीब करीब 6 से 8 किलोमीटर का ट्रैक किया है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत लंबा ट्रैक था। और हम लोग इतने सारे सामान के संग आए हैं ऊपर, क्योंकि एक तो हमें अपने पूरे हथियार चाहिए थे, खाना बनाने का सामान, अभी पानी और लकड़ी का इंतजाम करना है। तो जल्दी से टेंट को पिच करते हैं और आप लोग आई होप फिर से एक बार इंजॉय करेंगे टाइम लैप्स टेंट पिचिंग को। तो टेंट को पिच करने के बाद हमारा दूसरा काम रहेगा लकड़ी और पानी, तो पहले करते हैं टेंट को पिच। चलो भाई भाई टेंट पिच हो गया, सामान उठाओ यार। हाँ चलो आ जाओ, सामान लियो, सर मैं टेंट खोल लूँ, सामान लेके आओ। पहले वो दो मैट, पहले मैट बिछा देते हैं, मैट बिछा देते हैं क्योंकि सबसे पहले सामान अंदर रखना है ना सारा, पहले मैट फिर सामान।
मैट बिछाओ आप, मैं सामान ले आता। बैग भी कम भारी थोड़ी नहीं है भाई, है बैग ना, अरे बहुत सामान होता भाई। हां भाई तो ये लो, हालत ही खराब हो गई भाई। सामान रखो अंदर और लकड़ी और पानी लेने का इंतजाम करने चलो भाई। टेंट करते बंद, हां बंद कर दो क्योंकि भाई कुछ सूख ना जाए अंदर। चलो भाई हो गया दोस्तों, टेंट पिच हो गया है अपना। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा टाइम लैप्स को, और सामान भी अंदर रख दिया। अब हमारी मेन प्रायोरिटी जो है वो है पानी और लकड़ी। पानी इसलिए कि खाना बनाने के लिए, और लकड़ी कैंप फायर करने के लिए, जिससे हमारे पास जंगली जानवर और ये जो कीड़े मकोड़े छोटे मोटे होते हैं ना वो ना आए हमारे खाने के पास। तो चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं पानी और लकड़ी लेने। लकड़ी है नहीं यहाँ पे, लकड़ियाँ नहीं है भाई, झाड़ियाँ है इनको तोड़ तोड़ के। यहाँ पे पानी तो मेरे को नीचे एक झरना मिल गया था, वाटरफॉल। अच्छा ये क्योंकि गुप्ता जी आप गए थे नीचे, मैं भी ढूंढ रहा था यार लकड़ियाँ, पर सारी पता क्या है हरा जंगल है ये, तो हरे जंगल में भाई सूखी लकड़ियाँ मिलना थोड़ा टफ हो जा रहा है। बारिश का भी टाइम है ना। हाँ बारिश का टाइम में है, कोई नहीं इसे काटो आप। इनको टुकड़े कर लो ना, शाम होने से पहले पूरा इंतजाम करके रख लो अपना। पूरा इंतजाम भाई, ऐसे जंगलों में इंतजाम पहले होना चाहिए, दिन में सारा इंतजाम। ये लो इनको, और थोड़े छोटे पीस कर लेंगे और जला लेंगे। ठीक है चलो किचन सेटअप करो फिर मेरे भाई, खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दो भाई। हाँ रात होने में यहाँ 5 मिनट लगते हैं। दोस्तों किचन का सेटअप कर लिया पूरा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है भाई। और जैसा कि शाम हो रही है, ठंड थोड़ी सी बढ़ रही है, ठंड को मिटाने के लिए बनाते हैं जल्दी से बढ़िया सा सूप। भाई को भी सूप बना के पिलाते हैं आज भाई। कौन सा पिलाएंगे, हॉट एंड श्योर? कौन सा? हॉट एंड श्योर। हाँ मस्त करके डालते हैं इसमें पानी। ओके बद्दोबदी बद्दोबदी हो रही है इसकी तो। तुम डरते क्यों डर? एक्चुअली डरना पड़ता है भाई, गैस है। हाँ भाई अपने दो जने दो पैकेट बना दिए बढ़िया करके। तो दोस्तों सूप चढ़ गया, सूप बनाते हैं, सूप पीते हैं पहले, उसके बाद खाने की करेंगे प्रिपरेशन। राज भाई सूप रेडी है अपना? सूप रेडी है। ओके लाओ भाई तो सर्व कीजिए। वाह भाई गाढ़ा गाढ़ा सूप, मजा आ जाएगा भाई। हाँ वो भी गर्मा गर्म, सब ना खोल देगा ये। क्या रोम रोम क्या कहते हैं उसे, रोंगटे? नहीं नहीं वो क्या कहते हैं, रोम के छेद। अच्छा हाँ तो हाय हाय चलो भाई गर्मा गर्म ही चेस करो, गर्मा गर्म मजा आता है। तो दोस्तों सूप पीते हैं और फिर करते हैं जैसा कि बोला खाने की तैयारी। खाना भी बहुत बढ़िया बनेगा आज। हाँ आज मैं आपके लिए बनाऊंगा वेज बिरयानी। दोस्तों वेज बिरयानी बहुत कमेंट आ रहे थे कि गुप्ता जी वेज बिरयानी बनाइए, आज हम बनाएंगे मसाला वेज बिरयानी। ओके मसाला वेज बिरयानी। चलो मेरे भाई ये खत्म करते हैं। ओ चीयर्स अगेन, आनंद आ गया भाई। भाई मजा आ गया। बढ़िया से कर दो यार, अच्छा बहुत है यार, बस कर रहे हैं हमारे। हाँ मैं मेरा इधर हो गया, शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है मैं कुकर चढ़ाता हूँ भाई। ओके और इसको एक काम करो, तुम करो थोड़ी सी सिक्योरिटी। हाँ टॉर्च वहाँ पे आपके ठीक उस साइड है, वो दे दो यार, थोड़ा इधर उधर देख लेता हूँ। वो मेरे को दे दो, ये बड़ी पड़ पड़ा। हाँ ये मेरे को दे दो, ये यहाँ लग जाती है ना। अंधेरा पूरा हो चुका है भाई और हमारा खाना अभी। बैठ जाओ बैठ जाओ।
तो जल्दी से प्रिपरेशन करते हैं भाई अपने खाने की, रात हो गई, हमने सोचा था दिन में बना के खत्म कर देंगे, लेकिन ये तो भाई रात ही हो गई। आज क्या बनने वाली है अपनी भाई? वेज मसाला, मसाला वेज बिरयानी। अच्छा मसाला वेज बिरयानी, ठीक है बढ़िया करती है। थोड़े इधर उधर भी देख लेते हैं यार। हाँ ठंड हो गई भाई, है ना? ठंड तो हो गई भाई, लेकिन सूप पी के मजा आ गया भाई। यार वैसे कह रहे सब कहते हैं भालू वालू, अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं है, तुम्हें लगा कुछ भाई? अंधेरा हो गया, जबकि अंधेरे में तो कुछ ना कुछ तो आ जाना चाहिए था भाई। अंधेरे में तो काला या ब्राउन भालू तो होते नहीं है, काली होते हैं, वो तो हमें दिखेगा भी नहीं। जब टॉर्च मारेंगे या सामने आएगा झाड़ी के पीछे अगर होगा भी ना, टॉर्च भी मारेगा तभी दिखेगा नहीं, हम सोचेंगे कि भाई झाड़ी है, अंधेरा है। जब सामने आएगा तभी होगा भाई, जो भी होगा। तो आज या तो आर होगा या तो पार होगा, देखते हैं क्या होगा। आर होगा या पार होगा, हम ही चौस भाई। इस घने जंगल में कैंपिंग करना ना मतलब बहुत मजेदार है, खतरनाक तो है ही नहीं बिल्कुल। कौन कहेगा खतरनाक? आओ कभी आप सब भी, आप भी आइए, मजे लीजिए, फिर पता चलेगा आप सबको भी कितना एंजॉय करते हैं हम। देखो जंगल के अंदर भी हम प्रॉपर खाना बना रहे हैं जैसे घर में बनाते हैं, सारे मसाले वसाले हैं। ओ ये तो जिस साइड से हम आ रहे हैं ना, वो भी रास्ता है भालू का, भालू तैनात लगा लगा। ये जो है ना ये किसी जानवर का रास्ता लग रहा है मुझे भाई, सभी जानवरों का है। उन्हीं उसी गेट पे हमने कैंपिंग कर दी। चलो भाई जीरा दे दो मुझे जरा, ये जीरा ही रहा, खड़े मसाले उसके बाद जीरा, ये गया जीरा। भाई एक छोटी सी गलती हो गई। क्या हो गया? पनीर तो फ्राई किया ही नहीं। पनीर भी तो फ्राई करना है मेरे भाई, वो ये ध्यान नहीं रहता भाई, जंगल है ना, आधा ध्यान तो जंगल की तरफ है हमारा। चलो भाई पनीर काटो आप। हाँ पनीर काट के डाल देता हूँ इसी में, मसालों से भून जाएगा। पनीर तो भरपूर डालूंगा मैं। ओके ये देखो सारा पनीर डाल दूंगा। ये लो भाई, जिसके हिस्से का था वो गया, दे दो। ये लो किसी के हिस्से का था, ये हम पनीर चढ़ा देते हैं भाई। टॉर्च और ये दो चीज मुझे छोड़ना नहीं है। पनीर डल गया, पहले पनीर भून लेते हैं, गलती से पनीर हमने भूना नहीं था, और मसाले डालने के बाद पनीर भूनता नहीं है क्यों भाई? हाँ टॉर्च दिखाने सर, इसे टॉर्च दिखाते रहो बस। एक काम करो ना आप, सिर वाला टॉर्च लगा लो आप, हेडलैम्प। हाँ हेडलैम्प लगा लो। हाँ सही कह रहे हो, वो सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि कुकर चढ़ा रखा है, वहाँ अंधेरा कुछ ज़्यादा। चलो भाई पनीर तो हो गया, देखो लाल लाल गोल्डन कलर हो गया, ठीक है भाई, है ना? आप सीधे अब इसके बाद अब इसको यहाँ रख देते हैं। खाना तो एक पीस खाओ, टेस्ट करके बताओ कैसा क्रिस्पी हुआ है, बढ़िया क्रिस्पी हुआ है नहीं हुआ। गर्मी मस्त बना है, गर्म 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 गर्म। तुम बातें में हो, कुछ आवाज़ सुनाई दी? सुनो है। हाँ ये किस चीज़ की है? ये है भाई कोई जानवर, पंछी है। अच्छा पंछी है, मुनाल तो नहीं है? नहीं कौन रात को, ये तो उल्लू होगा रात को। ये क्या अदरक लहसुन इसमें हमारा ढेर सारा, प्यार जा रहा है, प्यार प्याज बाद में, प्याज नहीं प्यार। हाँ प्यार, प्यार तो बाद में डालेंगे, ऐसे नमक भाई अपना लहसुन हो गया, अब डालते हैं इसमें प्याज। ये लीजिए गया ढेर सारा प्याज, ये गया जी प्याज, सारा डाल दिया जी प्याज। खाते हो ना प्याज? खा गए राज भाई? बिल्कुल नहीं खाते, मेरे को लगा गायब हो गए पीछे से कहीं। बढ़िया बिरयानी खाएंगे तुम्हें, बढ़िया। ओके प्याज 5 मिनट भून गया, 5 मिनट भी क्या भूनना, ये तो हमें हल्का सा पिंक करना है, हल्का सा पिंक तो हो ही गया होगा। और इसमें डाल देते हैं अपने शिमला मिर्च। ओके और हम थोड़ा गश्त मार लेते हैं यहीं से, सिक्योरिटी करो भाई मेरे भाई। वैसे टॉर्च हमें लापरवाही का कोई वो खेल नहीं है, टॉर्च वैसे ना हमेशा उल्टे हाथ पे होनी चाहिए। हाँ दाहिने जो मतलब जो हाथ तुम्हारा ज्यादा चलता है उस हाथ से कुल्हाड़ी, सही बात है। और कुछ दिख गया तो हाइड करनी चाहिए। बिल्कुल मेरे भाई, ये लो भाई अपना ये भी भून गया, सब्जियाँ सारी वेजेज जो है ना हमें ज़्यादा नहीं भूननी, मतलब पता है मुश्किल से मुश्किल 40% भूननी है भाई। रुक जाओ भाई। हाँ क्या है ना कुछ? हाँ
ओके भाई कैमरे के पीछे कुछ है भाई है कुछ है रहा है? मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, ये देखो नहीं दिख रहा है, ठीक है ये देखो दिख रहा है, लेकिन भाई दूर है वो चीज़ दूरी है भाई, मेरा खाना जल जाएगा, तुम सिक्योरिटी का हाथ में रखो जल्दी से, मैंने कहा था ना भाई यहाँ पे दिन में खाना बना लो, ये इसलिए बोल रहा था मैं भाई, वही तो कह रहा था मैं भाई, जान प्यारी रखनी है भाई, जान की आफत नहीं करनी यहाँ पे यार भाई, नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है भाई, जल्दबाजी में कोई चीज़ तेज और कम हो जाए ना तो बता, बुरा मत मानना मेरे भाई, हाँ नहीं नहीं भाई आप सभी तो मैं कह रहा हूँ आप बनाओ, मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ भाई, अब इसमें जाएगी अपनी लाल मिर्च, ओके लाल मिर्च कैसे खाते हो, लाल मिर्च भाई नहीं तीखी नहीं भाई है, तीखी नहीं, तीखी नहीं, हाँ नॉर्मल खाते हैं भाई, हम तो तीखा ही खाते हैं, बिना तीखे के तो मज़ा ही नहीं आएगा, यहाँ तो दिखाना पड़ेगा ना, हाँ मेरे को दिख नहीं रहा ना ऊँचाई होगी ना, एक्चुअली थोड़ा कम कर लो इसकी, हो ना ठीक है, नहीं नहीं और मैं अपनी तौर से थोड़ा इधर उधर देख लेता हूँ यार, ये ना ये स्लिप कर रहा है, अभी चॉपिंग बोर्ड नहीं रखा हो ना हमने इस पर, एक मिनट कुकर उठाना, कुकर उठा उठा दो, हाँ उठाओ एक हाथ से, ऐसे ऐसे मैनेज करना पड़ता है मेरे भाई, इसलिए कोई आसान काम नहीं है कैंपिंग, ओके देखना पड़ेगा, दिख नहीं रहा ना ऊँचा हो गया ना, हाँ आज स्टूल नहीं ना, इतनी ट्रैकिंग में स्टूल कैसे लेके आते, भाई जितना कम सामान हो उतना लेके आना चाहिए, लेकिन हम फिर भी बहुत ज़्यादा ले आए भाई, बस पूछो मत, आ गया समझ, तो चावल डल गए अपने इसमें, अब थोड़ी देर भून के ना पानी डाल के इसे कर देंगे बंद, ठीक है मेरे भाई, ठीक है भाई। दोस्तों अपनी वेज बिरयानी मैंने चढ़ा दी है, कुकर पे ढक्कन लगा दिया है, और जैसे ही 3 सीटी आ जाएगी हम इसे उतार लेंगे और करेंगे खाने की तैयारी, उससे पहले मैं आपको ये जंगल दिखा दूँ कितना ख़तरनाक है, दोस्तों जो हमें खतरा है ना सबसे ज़्यादा वो यहीं से आने का है, हम भी इसी रस्ते से आए थे और यहाँ हमने ऐसे करके टेंट पिच कर दिया, ये हमारे ट्राइपॉड वगैरह लगे हुए, तो दोस्तों इसी रस्ते से खतरा है जो भी ये खतरा है, और पूरा डेंस फॉरेस्ट में एक बार फिर इधर भी दिखा दूँ सारा आपको, देखिए दोस्तों चारों तरफ जंगल है हमारे, ट्राइपॉड के पीछे भी है और ट्राइपॉड के आगे भी जंगल, टेंट के पीछे भी जंगल, चारों तरफ जंगल है दोस्तों, ये देखिए साइडों में भी जंगल है, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, अभी पीछे बाइकों यहाँ पे आंखें भी दिख रही थी, तो इसलिए सेफ्टी पर्पज़ से मैं चलता हूँ कैंप के पास, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, यार भाई हाँ सैलेड हो गई बस, तो भाई बस अपना भी खाना तैयार है, हो गया ना रेडी, हाँ तो चलो भाई करते हैं खाना खाने की तैयारी, तो चलो सिटी खोलता हूँ, भाई छोड़ यार आगे क्या, चुप 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 भाई बिल्कुल जान बची ना जरा सी भाई कुलाड़ी यार चुप, 2 मिनट चुप हो जा, कुछ तो था, लड़ी गाय को लड़ी भाई, टॉर्च जली है सब चीज,
लेकिन भाई एक जगह नजर मत रखो, तुम इधर तुम उधर देखो, मैं इधर देखो। पेड़ तो जमी है। हाँ भाई भाई वो भाई ये देखो ना फल है यहाँ पे। ओ भाई ये क्यों नहीं देखे? अबे यार सिर्फ गलती कर दी भाई, यहाँ तो फल लगे हुए हैं, यही तो खाने वालू आता भाई। तो भाई यहाँ पे भी है आज रात पीछे, अभी ये भी फल है, सारे फल ही लगे हैं यार। शिट ओ भाई, चलो चलो बैठे यहाँ भाई, यार जल्दी करो यार, खाना खा लो, खाना खाते हैं निकलते हैं भाई जल्दी, चलो तुम करो यार। मेरे तो ध्यान ही नहीं उतरा पीछे से भाई, भाई वही तो सीन है, मेरा भी वही सीन है भैंस के। यार तुमने ये फल क्यों नहीं देखे यार? अरे भाई ये देखो कितने लदे पड़े हैं पेड़ पे यार, बहुत बतरे हैं, फंस गए भाई पूरा। ये तो हमने ना भालू के रास्ते में टेंट पिच कर दिया लग रहा है। वही तो। तो दोस्तों आपने देखा कितना भयंकर साउंड आया था, और वो भालू था शायद कैमरे में कैप्चर भी हो गया, क्योंकि कैमरा हम उठा के नहीं भाग पाए, और हमें अपनी जान प्यारी थी, भाई आदमी चल नहीं पा रहा, करना हमारे को सही नहीं समझा, जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया, बस हमने अपनी जान टेंट में घुस के बचाई है। अगर आज टेंट में ना घुसते तो हमारी जान ना बचती सबसे रियल में यार, मैं तो इतना डर गया था ना। हाँ। और देखो दोस्तों भगदड़ में देखो, हाँ प्याज सैलेट वगैरह सारी गिर गई हमारी, धो लो यार से, धो लो यार पानी से, कोई बात नहीं यार, चल क्या करे भाई। और यार जंगल में हर चीज को मैंने जब वो दिखाया ना ब्यूटेन सिलेंडर थोड़ा, तब वो डर के भगाए, आग से डरता है ना। क्या हुआ भैंस की, जब मैं क्या कुलाड़ी लेने गया ना, कुलाड़ी पकड़ पाया, उल्टा गिर गया, वही होता है भाई डर में। चलो कोई नहीं, धो लो यार, अब यार इनको धोते हैं थोड़ा, स्टी कटाओ ये गीली हो जाएगी सारी यार। हाँ। तो, ना इसको मैंने इसलिए साइड में रखा था, अगर कोई दिक्कत हुई तो हम अटैक कर सकते हैं उस पर भी भाई। हथियार ना एक मैंने एक तो चाकू भी ना अंदर रखा है, कोई नहीं ये भी बाहर रख लेंगे। चलो दोबारा देख लेना। चलो मैं सर्व करता हूँ, तुमने धो दिए, मैं सर्व करता हूँ भाई। हाँ भाई सर्व कर लो आप, ठीक है भाई। आज सीटी खोल लेते हैं क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास ना। क्या फिर भाई, भाई पता है क्या है? हाँ ऐसे डर में ना भूख भी नहीं लगती भाई। वो तो है भाई, मेरी तो भूख ही मर गई सब भाई। हम सोच रहे थे ना जल्दी जल्दी बनाएंगे, लेकिन भाई टाइम पूरा ही लग गया। इसे हटाते हैं, पीछे कुछ है भाई। इसमें डालते हैं पनीर, ये डाल दिया इसमें पनीर, कच्ची खाना ही। टेबल हटा दो यार, टेबल की जरूरत नहीं है भाई। क्या कलर आया यार भाई, चावल बढ़िया बने यार, मजा आ गया। मेरे को लग रहा था अच्छे नहीं बनेंगे भाई, बढ़िया बने हैं, है ना। ये एक काम करो, हाँ प्याज कहाँ रखें? प्याज रख लेंगे, पहले आप लो इसमें, लो अच्छा इसमें ले। आवाज तो आ रही भाई, मिलो सौ रुपये चल रहा है, चल रहा है झाड़ियों में चलने। तुम्हें थोड़ा ऐसा लगा कि भालू ना रो टाइप का रहा है? हाँ। खाना खा के बताओ कैसा बना है। हमें खा तो लो पहले, पहले अमेजिंग बोल दो भाई, गर्मा गर्म मुंह में देखो ऐसे, मतलब इधर से उधर नजर रहा हूँ। तो दोस्तों खाना हमारा यहाँ रेडी है, और जल्दी से इसे खाते हैं, बार बार रह रहे के भालू की आवाज़ आ रही है, और भालू आ भी रहा है टेंट के पास, तो चलते हैं टेंट में, इससे पहले वो हम पे अटैक करें, हम टेंट में चले जाते हैं, वो हमें देख नहीं पाएगा तो शायद अटैक ना करें। तो चलिए दोस्तों जल्दी से खाना फिनिश करते हैं।
बंद करो यार, जल्दी टेंट बंद कर दो भाई। हाँ देखो कीड़े भी आ गए यहाँ पे, देखो कीड़े भी आ गए, देखो ये देखो। बंद करो, बंद करो यार। बटरफ्लाई है ये? बटरफ्लाई नहीं है, मौत की फ्लाई है। जल्दी कर दो बंद भाई, अब तो टेंट में आके सुकून मिल रहा है। नहीं ये देखो, हाँ वो उसको छोड़ो, यहाँ बॉस आया हुआ है। तो फाइनली दोस्तों खाना खा के आ गए हम टेंट में, और ज्यादा वेट नहीं करेंगे भाई। ये तकिया और चादर दे दो, ठंड है भाई। तो दोस्तों जल्दी से दोस्तों, मैं तो लेट गया हूँ, भाई भी लेट गए। देखो चल भाई, कमर सीधी। तो भाइयों जल्दी से सोते, क्योंकि बाहर रह रहे के आवाज आ रही है, और हम मैं नहीं चाहता कि भाई कोई सीन सपाटा हमारे संग हो जाए। गहरी नींद में मत जाना, लेकिन बाहर कोई मत निकलना बिना एक दूसरे के, ठीक है भाई? टॉयलेट टूले जाना होगा तो एक दूसरे का उठा लेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हिराज भाई साउंड आ रहा है, क्या बोल रहे हो? आलू का साउंड है, आवाज आ रही है मेरे भाई। लाइट जला, पहले से लाइट जला दे भाई। आलू का साउंड है, देखो आ रहा है साउंड, आ रहा है भाई साइड से साउंड आ रहा है भाई। भाई वो फिर आ गया है, हैं फल खाने आ गया वो भाई, खतरनाक भाई आ रहा है भाई। भाई भाई इधर से आ रहा साउंड, हट 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 हट। एक कुल्हाड़ी खा भाई, कुल्हाड़ी खा गई। पीछे से आ रहा साउंड सारा, ऐसा मत बोले। बीच में आ जा, बीच में, बीच में आ जा, बीच में, बीच में आ जा भाई। भाई भाई ये चलने की वजह भाई ये होता है यार भाई, खाना खोना ना हम खाते हैं वो चलती है भाई। आ गया यार भाई, फिर आ गया ये, तो फिर से बालू आ गया, ये वही आ गया यार दोबारा। खाने कुकर वूकर बाहर ही रखा है? हाँ सब बाहर है भाई, अंदर रखना चाहिए था यार खाने यार। और झूठे बर्तन भाई सब बाहर है, अंदर कौन रखेगा? वो इसलिए आ गया। हाँ शिट 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 शिट, इधर से देखिए, इधर देख देख। हट 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 उर हट, इस साइड है, इस साइड है, चल रहा है वो, चारों तरफ चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है। अंदर घुसना है, सूंग रहा है, सूंग रहा है टेंट को। चुप 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 भाई 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 ओ हट 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 भाई, कोई जानवर बाहर चल रहा है। क्लियर पैरों की आवाज आ रही है, पंजे की भाई। मुझे ना ऐसे भी लग रहा है एक पेड़ पूड़ में चढ़ रहा है कुछ। हाँ या तो वो फल खाने आया है, एक काम कर चुप रहे, हो सकता है वो फल खा के निकल जाए, फल खाने आया होगा वो, हो सकता है भाई। हाँ हाँ तो दोस्तों थोड़ी देर हम चुप रहते हैं और शांति से लेटते हैं, अगर वो चला गया तो हम सोएंगे, नहीं तो अदरवाइज पूरी रात जगेंगे। तभी की तब है, अगर बाई चांस टेंट फाड़ दिया उसने तभी करेंगे जो करेंगे। वो टेंट पे तब आएगा जब हम उसे एहसास दिलाएंगे हम यहाँ हैं। हाँ। तो ऐसा करते हैं हम चुपचाप से लाइट वाइट बंद करके लेट जाते हैं, फल खा के हो सकता है वो चुपचाप से चला जाएगा, पेट भर जाएगा तो उसका। तो दोस्तों ये जो हमने गलती करी है घने जंगल वाली, ये अब दोबारा नहीं दोहराएंगे, बस यहाँ से आज निकलते हैं जैसे तैसे, कल सुबह मॉर्निंग हो जाए और सूरज उगते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों अभी इस कैमरे को बंद करता हूँ ताकि भालू चले जाए। Thank you.
राज भाई जा मेरे भाई, सुबह सुनो तो यार भाई, सूरज भी निकल गया मेरे भाई, रात भर नहीं सोए यार भाई, भैंस के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप, आए हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारी रात नहीं बीती अच्छी। रात इतने ज़्यादा भयंकर होता है, इस साइड वाले रास्ते से जानवर कोई आया और वो हमारे पे ऐसे अटैक करके गया जैसे हमें मार ही देता, लेकिन बचे हैं जैसे तैसे रात को। तो अभी सुबह हुई है, आगे के लिए निकलेंगे, यहाँ से पैकअप करते हैं जल्दी से, अभी कुछ भी नहीं बना रहे, चाय पानी हम रास्ते में कहीं कर लेंगे, लेकिन यहाँ से निकलते हैं क्योंकि दिन में भी मुझे लग रहा है खतरा है। राज भाई उठ जाओ यार। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट कैंपिंग एडवेंचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।